हेलो नमस्कार सभी को। माउंटेन फैमिली की नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं प्रकृति और जो कैमरा के पीछे है वो है नवीन जी। तो आज हम आए हैं अपने ऑर्चर्ड में, अपने फार्म में। तो देखते हैं, बहुत टाइम बाद आए हैं तो अब देखना है कि ऑर्चर्ड में आजकल क्या क्या है लगा हुआ। तो हम काफ़ी टाइम बाद आए हैं। लास्ट वीडियो पता नहीं कब बनाई थी ऑर्चर्ड की, मतलब उसके बाद हमारा आना नहीं हुआ। बट जो मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर जी जो हैं, तो वो यहाँ आते जाते रहते हैं और पूरे फार्म की मैनेजमेंट वो खुद ही करते हैं। तो देखते हैं कि उनकी मेहनत क्या क्या है इस बार। तो मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं टमाटर, तो काफ़ी अच्छी तरह से मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है और इसमें फ्रूटिंग भी हो चुकी है, टमाटर लग चुके हैं। अब बस धीरे धीरे ये मैच्योर होंगे, रेडिश कलर देंगे और फिर हमारे घर में टमाटर की कोई कमी नहीं होगी। और वैसे भी सावन के महीने में जो है ना, टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमारे यहाँ तो जैसे सावन में खीर बनाई जाती है, तो वो मंदिर मंदिर में भंडारा होता है, खीर पोली बोलते हैं उसे हम। तो उसमें एक टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर होती है, तो वो सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा होते हैं इस सीज़न में, इसीलिए टमाटर की सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। यहाँ टमाटर के साथ में ही लगाए हैं बैंगन, तो बैंगन काफ़ी अच्छी तरह से फ्रूटिंग हो चुकी है और आज हम बैंगन की थोड़े से बैंगन लेके जाएंगे जो जो बड़े हो गए हैं, और सब्ज़ी बनाने की कोशिश करेंगे जितने भी बैंगन बन निकल सकें। बैंगन के बीच में ही कई कई जगह पे बीच में जो है मक्की लगाई है बीच में, तो ये अभी छोटी है। और जो ये चीज़ है, ये वाली चीज़, तो इसे हमारे यहाँ लोकल में कहते हैं कुकड़ू। और साथ में है यहाँ पे चंदा मामा, दूर के वो ऐसे करते थे हम, चंदा मामा चल पर पास फेल पास फेल पास फेल। तो यहाँ पे एक तरफ लगा है करेले, यहाँ पे करेलों की बेल है, और दूसरी तरफ है यहाँ पे घिया। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा घिया हो चुका है, इसे आज हम लेके जाएंगे और घिये की सब्ज़ी बनाएंगे। तो अब मैं पहुंच चुकी हूं अनार के ऑर्चर्ड के बीच में, अनार के पेड़ों के बीच में हूं इस टाइम पे। जैसा आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्रूटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है क्योंकि बारिश काफ़ी अच्छी रही इस बार। तो ये रहे अनार। तो झुक झुक के हमें जाना पड़ेगा क्योंकि कई बार जो है अनार के जो कांटे होते हैं वो भी चुप सकते हैं, तो वो अनार का कांटा जो है उसे निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ नीचे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ लगी है शिमला मिर्च, तो शिमला मिर्च के कुछ पौधे लगाए हैं। तो शिमला मिर्च के साथ आगे लगे हैं पतरोड़ू, तो ये अरबी के पत्ते हैं, तो इसे जैसे कि सारे इंडिया में ही खाया जाता है, तो ये जो है इसकी हम सब्ज़ी बना के खाएंगे। तो इसकी जो सब्ज़ी बनाएंगे तो वो उसको हम किसी और दिन बताएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पे पतरोड़ू बनाए जाते हैं और उसके सब्ज़ी बना के खाया जाता है। तो आपको अब मैं दिखाती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो यहाँ फार्म में लगी है हमारे। तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है अंगूर। ये बिल्कुल यहाँ के लोकल जो ट्रेडिशनल स्पीशीज़ है वही है, ये कोई लगाई हुई या बाहर दूसरी कोई स्पीशीज नहीं है, प्रोफेशनल स्पीशीज नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये गुच्छा बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही टेस्टी यमी लग रहा है, मन कर रहा है कि खा जाना था फटाफट। इन अंगूर की जो खास बात ये है कि इसके अंदर जो है वो बीज होता है, जैसे आप तो जो जैसे मनक्का दाक होती है उसके अंदर बीज होता है, बस वैसे ही इसमें भी जो है बीज होता है, तो काफ़ी बड़े बड़े बीज होते हैं। तो ये जो अंगूर हैं और लोकली जो है ट्रेडिशनली यहाँ के लोकल लोग जो हैं इसकी वाइन भी तैयार करते हैं घरों में अपने। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, जो दूसरे अंगूर होते हैं जो मार्केट में मिलते हैं हाइब्रिड अंगूर या जो भी होते हैं वो, तो उनमें क्या होता है कि उस पर स्प्रे बहुत की जाती है, बट ये जो यहाँ के जो वाइल्ड स्पीशीज़ बोल सकते हैं इसको, जो वाइल्ड लोकल स्पीशीज़ है, तो इसमें ज़रा भी स्प्रे नहीं है और खाने के लिए भी बहुत टेस्टी है, यमी है और न्यूट्रिशियस वैल्यू तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो इसको खाने से ही पता चल रहा है, खट्टा है तो थोड़ी सी खटास है इसमें, तो इसमें विटामिन सी जो है बहुत बहुत ज़्यादा भरपूर है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पके हुए अंगूर भी है और कुछ कच्चे अंगूर भी है। तो ये हल्के से ग्रीन रंग वाले कच्चे हैं और जो ये पर्पल हो गए हैं, पिंकिश पर्पल, यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं आप, तो ये जो है बिल्कुल पक्के तैयार है। जब कोई भी चीज़ बिना स्प्रे की होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है कि उसको आप सीधा पेड़ से तोड़ सकते हो और खा सकते हो भाई। पर प्रकृति तो बीज भी खा रही है साथ में, पता नहीं कैसे खा रही है। तो घर जाऊंगा और एक गिलास जूस तो इसका बनाऊंगा यार। जल्दी करो ना, बाद में वो करते रहना, बिल्ली के खाने का टाइम हो गया यार। जानू एक मिनट रुक जा, अपने खाने की पड़ी हुई है इसको। अरे बिल्ली को ऊपर रख दे, मम्मी को कर फोन। क्या करना फोन, चलो ना जल्दी। तो हमारी प्रकृति मैडम जी ने काफी इकट्ठा कर लिए हैं, काफी तेज मानी जाती है हार्वेस्टिंग के टाइम पे प्रकृति को। तो यहाँ पे निकालते निकालते मैं कुछ फ्रूट्स जो है पेड़ में ही छोड़ने वाली हूँ, ताकि यहाँ के जो बर्ड्स हैं, ये भी कुछ एनिमल्स के लिए मतलब थोड़ा बहुत खाने का हो जाए सिस्टम। तो यहाँ पे तो थोड़े कम लगे हैं, जो घर के पीछे भी एक वाइन है, तो वहाँ पे उसमें भी बहुत सारे लगे हुए हैं, तो वो थोड़ा हाइट है, उससे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट ये जो है ये ईजी रीच पे है। वो जी मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो मेरे पतिदेव जो है वो तोड़ कम रहे हैं और खा ज़्यादा रहे हैं, और इतनी देर हो गया मैं बोल रही हूँ जल्दी करो जल्दी करो, ये खाने में व्यस्त है। इतना ज़्यादा तोड़ा मैंने देखा ये इसमें, सच बोलूँ इसमें 70% मैंने तोड़ा है। ठीक है, एक बात आप भी ट्राई कर सकते हो, जो चीज़ ऐसे बोलते ना नेचुरली खाने में है, मीन्स कहीं से खरीद के या फिर बाद में मज़ा नहीं आता, जो आप ताज़ा ताज़ा खाते हो ना, सीधा पेड़ से खाओ, उसके बाद जो मिठास होती इन चीज़ों में भाई, वो ऐसे नहीं मिलेगा। तो बचपन में तो हम ऐसे करते थे, 4-5 पीस कट्ठे लेते थे फिर मुंह में डालते थे, वो ज़्यादा बचपन की याद ताज़ा हो गई यार। चलो तो अब निकलते हैं घर की तरफ। आज का जो हमारा यहाँ का टूर था, ट्रिप था, वो हो गया सक्सेसफुल, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है घर ले जाने के लिए। तो अब चलते हैं वापस घर, क्योंकि शिवोहम को भूख लग गई होगी और उसे उसके खाने का टाइम हो गया है। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली अब घर पहुंच चुके हैं और प्रकृति उसको दूध पिलाएगी और जो अपना काम है हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो मम्मी खा लो। ये किसने लगाई थी बेल, मीठे है ना? तो मेरी मम्मा का कहना है कि ये बेल दादाजी ने लगाई थी। तो एक गिलास तो जूस बनता है, मैं इसका जूस निकालूंगा। तो इसका आपके पास दो वे होते हैं, या फिर एक लकड़ी का जो आगे से थोड़ा सा गोल हो उससे आप ऐसे कूट सकते हो, वरना हाथ से भी उसमें कर सकते हो। तो जैसा भी करो आउटपुट निकलना चाहिए जूस का। यह पैन है और एक चाहिए आपको ऐसी कटोरी ऐसे दबाने के लिए। तो सबसे पहले काम करना है इसको अलग कर दो, मतलब ये जो लकड़ी लकड़ी है, जो इसके डंठल हैं वो उससे अलग कर दो, उसके बाद मिलो। तो यार वैसा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरे को मिल गया है यहाँ पे अपना प्यारा सा अच्छी तरीके वाला जूस निकालने वाला। तो ये काट के नहीं निकालेगा, ये उसको बिल्कुल निचोड़ देगा, उसके बाद जूस निकलेगा। तो वैसे अगर आपने मेरा ट्रिप देखा होगा, लाहौल ट्रिप में भी मैं इसको साथ ले गया था शिंकुला वाले में, तो बहुत अनार जूस और सेब के जूस निकाला हमने इससे। तो आज निकालेंगे इससे प्योर अंगूर का जूस। सबसे पहले आपको अंगूर लेने हैं और यहाँ डालने हैं, ताज़े ताज़े अंगूर हैं ये, बिल्कुल ताज़े। तो ये फंसे इसके दाने, जो सीड्स हैं वो सारे यहाँ फंसे हैं। तो ये हो गया हमारा जूस बनके तैयार, रेडी टू ड्रिंक, बहुत टेस्टी है। तो बाहर वादियों में बैठ के हम आराम से पियेंगे। ट्रॉपिकाना का जूस भी कहाँ डालना है यार, लिटरली कहाँ डालना, ट्रॉपिकाना हो गया, रियल हो गए,
उसमें तो सिर्फ कलर होते हैं, चीनी होती है बहुत सारी। नेचुरल जूस तो इसे कहते हैं यार। जाओ पेड़ से तोड़ के लाओ और जूस बना के पी लो, इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। और इससे नेचुरल, ज़्यादा नेचुरल चीज़ और कोई नहीं हो सकती। पर मैं ज़्यादा गिलास एक ही दिन में नहीं पीऊँगा, बिकॉज बीमार ना हो जाऊँगा। अगर कभी लाइफ में पहाड़ों में आओ तो ज़रूर इसको ट्राई करना यार। आप भी बताना यार कमेंट सेक्शन में किस किस ने आज तक ट्राई किया है इसका जूस, या फिर खाए होंगे कभी पहाड़ों में आके। अगर नहीं तो कभी भी पहाड़ में आओ तो ट्राई करना इन जो यहाँ के ट्रेडिशनल लंगूर है, आई डोंट नो कौन सी स्पीशीज़ थी, तो इसका जूस ज़रूर पीना या फिर ऐसे ही खाना। ऐसे खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी बिकॉज उसमें बीज होते हैं, बट जूस बना के पियोगे तो आपको मज़ा बहुत आने वाला है। तो बस यार आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।